Good morning students. In our previous lecture, we studied about the radial probability distribution curve. Now, our today topic is probability distribution of electrons around the nucleus. अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रेडियल पार्ट होते हैं और एक एंगुलर पार्ट होता है, टोटल जो वेव फंक्शन होते हैं उसके टोटल टू पार्ट्स होते हैं, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट. रेडियल पार्ट से जो है हमें उसके साइज़ के बारे में पता चलता है एंड एंगुलर पार्ट उसके शेप को बताते हैं. अब हमें जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरिएशन देखते हैं साई और साई स्क्वायर की डिस्टेंस के साथ. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो है यहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, बेसिकली ये जो कर्व्स हैं ये है कि एक सिंपल सा मेथड है जिसमें जो है हम वेरिएशन स्टडी करेंगे साई के डिस्टेंस के साथ. ओके और फिक्स रखेंगे यहाँ पे किसको, एंगुलर पार्ट को. मींस कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होगी साई की और जो आपके पास एंगल्स हैं थीटा एंड फाई वो क्या हैं, फिक्स रहेंगे. और इस वेरिएशन को हम रेडियल डिपेंडेंस भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इस वेरिएशन को हम बोलेंगे रेडियल डिपेंडेंस. ओके अब जो हमने प्लॉट ड्रॉ किए थे, जैसे रेडियल पार्ट के लिए ड्रॉ करे थे आरआर प्लॉट्स जो ड्रॉ करे थे, जो हमारे पास ये है साई फंक्शन, इसके जो प्लॉट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे. अब जैसे हमने लास्ट टाइम नोड्स की बात की थी कि नोड्स कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करने की जीरो हो जाएँ, और वो n माइनस वन नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होती है. 1s के केस में जीरो नोड होगी, सिमिलर वे में 2s 3s 4s के केस में क्या होती है, नेगेटिव नोड होती है. और उसके बाद जो है हमारे पास जो है कुछ नेगेटिव पार्ट भी आता है, साई की वैल्यू नेगेटिव आती है. और हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है साई की जो वैल्यू होती है उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर लेके चलते हैं. साई स्क्वायर जो होगा वो हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. ओके अब जैसे हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, 1s ऑर्बिटल के लिए प्लॉट ड्रॉ करेंगे, अगर साई और साई स्क्वायर वर्सेस आर, मैं यहाँ पे आपको दोनों प्लॉट ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आपको इजी रहे समझने में कि साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है. ये है 1s के लिए, जो मैंने डॉटेड लाइन से प्लॉट शो करा है वो है साई का, और जो सॉलिड लाइन से शो किया है वो है साई स्क्वायर का. ये बनाया 1s के लिए. सिमिलर वे में अगर मैं 2s की बात करती हूँ, साई और साई स्क्वेयर आर एंड 2s. अब देखो जो हम बनाते हैं प्लॉट, रेडियल पार्ट ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या होता है 2s की केस में एक नोड आ जाती है, नोड पे वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, उसके बाद जो है नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने भी कहा ना कि जो रेडियल वेव पार्ट का जो प्लॉट होगा वो सेम होगा, इसी की तरह साई की तरह साई स्क्वेयर ले रहे हैं, और नेगेटिव टर्म का अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू जाती है. तो ये जो हमें नेगेटिव पार्ट मिल रहा था इसकी जगह हमें पॉजिटिव पार्ट मिल जाएगा. सिमिलर वे में 1s के केस में कि यहाँ पे न्यूक्लियस के पास जब r इज इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो वैल्यू होती है, तो अगर हम साई की जगह साई स्क्वायर लेंगे तो उससे जो है हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी में, जस्ट बिकॉज कि जो हम नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली है कि एक सिंपल मेथड है जिसमें जो है हम साई की वेरिएशन स्टडी करते हैं अगेंस्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस के साथ कर रहे हैं तो ये जो कर्व्स होंगे रेडियल डिपेंडेंस कर्व होंगे, एंगुलर पार्ट जो है थीटा एंड फाई वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे. अब एक और सेकेंड मेथड है, फर्स्ट हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन. दोनों में से जो वैसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बट हमारे पास एक और मेथड है इसको हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन. इस मेथड में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रीजन्स ड्रॉ करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डॉटेड, उससे मीन्स कि जैसे मैं ये डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ, हम डॉट्स की जो है डेंसिटी देखेंगे, मींस कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे न्यूक्लियस से जो है डिस्टेंस इंक्रीज होगा. ये इसका सेंटर प्रेजेंट है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और जो मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो किया है डार्कनेस, मीन्स जहाँ पे जितनी ज़्यादा डॉट्स ज़्यादा होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे डॉट्स जो है कम शो करिए दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी. दैट मीन्स कि जो इंटेंसिटी है डॉट्स की
यहाँ पे जो है इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। डॉट्स की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे सेंटर से न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा डॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जब इंटेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की उस पर्टिकुलर रीजन में, वो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जो है डिस्क्राइब करने का प्रोबेबिलिटी, वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। आप देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि जो साइज स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें बताती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है डिटरमिन करनी है किसी स्मॉल रीजन के लिए, तो हमें क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने का वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइज स्क्वायर इनटू डीवी। डीवी क्या है, स्मॉल वॉल्यूम रीजन जहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो डीवी है मेरे पास साई का जो है, साई के जो वैल्यू होते हैं उसको सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे कि जो मैं डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स में, कि जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम मेरे पास किसके इक्वल होगा, डीवी, ये क्या स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होगा, 4πr² इंटू dr। ठीक है, कि हमने क्या करा, जो स्पेस है न्यूक्लियस के राउंड उसको जो है डिवाइड कर लिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक शेल्स, और जो शेल्स होती है उस शेल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 4πr², और dr क्या होगी उसकी, थिकनेस शेल की। तो प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये dv की वैल्यू पुट कर देंगे, साइज स्क्वेयर इंटू 4πr² इंटू dr एंड इज इक्वल टू 4πr² dr साइज स्क्वेयर। दो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या हुआ, कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की विद इन अ स्मॉल रेडियल स्पेस, की न्यूक्लियस के राउंड में हम एक छोटा सा स्पेस लेके चल रहे हैं डीवी, उसमें जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हो जाएगी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे देखो, अगर हम जो है इसको साइज स्क्वायर को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट डिस्टेंस आर, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज होती है। यही आता है ना इसका जो ग्राफ आते हैं, कि प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के, जब जो न्यूक्लियस के पास होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम को भी अगर हम प्लॉट करें, तो वॉल्यूम क्या होगा शेल का, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे किसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और वॉल्यूम ऑफ द शेल का, और वो हमें क्या देगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, मीन्स कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास उसको हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी 4πr², ये तो हो गया उसका वॉल्यूम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइज स्क्वायर से। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी साइज स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा आर रेडियस। इसका जो ग्राफ आएगा आपके पास वो इस तरीके से आएगी वैल्यूज, ये जो मैक्सिमम हाइट है पीक की इसको हम बोलेंगे आर नोट। अब देखो इन दोनों ग्राफ्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है साई स्क्वेयर वो न्यूक्लियस के पास, मीन्स जब आर जीरो के इक्वल है उस केस में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बट अगर मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ वो न्यूक्लियस पे, जब वैन आर इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है मेरे पास। क्यों, इसका रीज़न क्या है, कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ आर इज इक्वल टू जीरो पे, वॉल्यूम ऑफ शेल की बात करूँ वो बहुत स्मॉल होगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा एक तरह से न्यूक्लियस पे। जब हम बिल्कुल न्यूक्लियस पे बात करें, वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम जीरो, तो ये पूरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्क्वायर वो तो मैक्सिमम होती है व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, बट जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे हम लार्ज वैल्यू की बात करें, एट लार्ज वैल्यू ऑफ आर साई स्क्वायर जो है जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये देखो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साई स्क्वायर जो है जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, अप्रोच करेगी जीरो पे लार्ज डिस्टेंस पे, ये इस तरीके से लार्ज डिस्टेंस पे। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और मैं अगर बात कर रही हूँ उसकी, कि प्रोबेबिलिटी जो है जीरो को अप्रोच कर रही है, दोनों का क्या, ये प्रोडक्ट ही तो है, अगर साई की वैल्यू मेरे पास जीरो हो रही तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एट वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर ये वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब फर्स्ट वाले केस में मैं बात करती हूँ, और ये इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूँ, दैट मीन्स इन बिटवीन साई स्क्वेयर एंड वॉल्यूम, दोनों की जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट वैल्यू होगी, साई स्क्वेयर की भी और वॉल्यूम की भी। जैसे जैसे देखो न्यूक्लियस
वजह से डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो साइज स्केयर की वैल्यू है, साइज स्केयर की वैल्यू क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से राइज होगी एक मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है दोनों में कंपैरिजन कि हमारे पास क्या है। अगर मैं आर की बात कर रही हूँ, आर इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो पे वॉल्यूम जीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और अगर मैं हाई लार्ज वैल्यू ऑफ आर बात करती हूँ, उस केस में मेरे पास साइज स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी। बट अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में बात करूँ तो मेरे पास साइज स्क्वायर की वैल्यू भी और वॉल्यूम की वैल्यू भी फाइनाइट वैल्यू होती है। वॉल्यूम जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये वाला फंक्शन क्या है, डिक्रीज करेगा। तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो पहले तो मेरे पास वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक पर्टिकुलर हाइट तक वो वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है आर नोट, जहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या फिर रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर, सिमिलर वे में अगर मैं बात करूँ आगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये तो हमने बनाया था। ऐसे ही 2s की बात करते हैं, 3s की बात करें, 4πr² साइन स्क्वेयर वर्सेस डिस्टेंस r, तो इस केस में क्या होता है, मेरे पास एक मैक्सिमम आता है जीरो नोड, 2s के केस में वन नोड प्रेजेंट होती है, फिर से इंक्रीज होगा तो इस तरीके से आ जाएगी 2s, 2s केस में क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी के जो है दो रीजंस होंगे मेरे पास, फर्स्ट रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, सेकंड रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, और इनके बीच में जो है सेंटर में यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों हाई प्रोबेबिलिटी रीजन जो है सेपरेट हो रहे होंगे नोड से। नोड क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने के जो चांसेस हैं वो क्या है, जीरो है। ठीक है, कि इसमें क्या है, पहले जो प्रोबेबिलिटी है पहले राइज करेगी वो मैक्सिमम तक और उसके बाद एकदम से फॉल कर जाएगी जीरो पे, उसके बाद दोबारा से वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी और फिर से जो है मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगी। मीन्स कि जो मेरे पास 2s है उसके अंदर टू रीजंस होंगे हाई प्रोबेबिलिटी के और नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, 1। सिमिलर वे में अगर मैं 3s के लिए ड्रॉ करती हूँ, इस केस में पहले मैक्सिमम नोड आ जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर नोड आ जाएगी और फिर से मैक्सिमम 3s। 3s की केस में 1 नोड एंड 2 नोड हाई प्रोबेबिलिटी रीजन, 1, 2, 3 टोटल हमारे पास 3 तो होंगे हाई प्रोबेबिलिटी रीजन। पहले जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी मैक्सिमम तक जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी वैल्यू, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी मैक्सिमम तक जाके फिर जीरो हो जाएगी और फिर से इंक्रीज होगी और लास्ट में जो है मिनिमम तक चली जाएगी। तो 3s के केस में क्या है, मेरे पास टोटल हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 3 होंगे और 2 नोड्स प्रेजेंट होंगे। इन द सिमिलर मैनर वी ड्रो फॉर 4s ऑर्बिटल, 1 मैक्सिमम रीजन, 2, 3 एंड देन 4। इस केस में 1, 2 एंड 3 3 नोड्स टोटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टोटल हाई प्रोबेबिलिटी रीजंस कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 और नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, 3। तो अब इसके लिए जो है जनरली याद रखने के लिए एस ऑर्बिटल के लिए हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन वो तो होंगे एन, एंड जनरल के लिए लिख रही हूँ नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस वन। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, एन इज इक्वल टू 4, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन भी 4 है और नंबर ऑफ नोड्स हैं 3। यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 3, नंबर ऑफ नोड्स 2, एन इज इक्वल टू 2, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 2, नंबर ऑफ नोड्स 1। ऐसे इसमें एन इज इक्वल टू 1, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन बस एक ही है और नंबर ऑफ नोड्स 0, एक भी नोड नहीं प्रेजेंट होगी इस केस में। क्लियर, अब ये तो थे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स फॉर एस ऑर्बिटल। सिमिलर वे में हम ड्रॉ करेंगे पी ऑर्बिटल्स के लिए। साइज स्क्वेयर विद डिस्टेंस आर ये जो कर्व है ये है 2p ऑर्बिटल के लिए और ये है 3p ऑर्बिटल के लिए।
अब देखो 2p ऑर्बिटल केस में भी क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगी और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 1 होंगे और नंबर ऑफ नोड्स, इस केस में एक भी नोड नहीं है तो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे 0। सिमिलर वे में अगर हम 3p ऑर्बिटल की बात करते हैं, 3p ऑर्बिटल में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इसमें 2 रीजंस होंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के और दोनों आपस में सेपरेट होंगे किससे, 1 नोड से। सिमिलर वे में अगर मैं 4p की बात कर रही हूँ तो उसमें 3 रीजंस हो जाएंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के और बीच में जो है 2 नोड्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर पी ऑर्बिटल के लिए बात करें, वो था एस के लिए 4p ऑर्बिटल नंबर ऑफ रीजंस ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, n इज इक्वल टू 2 और हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने हैं 1, मतलब कि n माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 एंड नंबर ऑफ नोड्स, n इज इक्वल टू 2 नोड्स कितनी है 0, n इज इक्वल टू 3 नोड कितनी है 1, 2 का डिफरेंस है तो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगी n माइनस 2। क्लियर। सिमिलर वे में हम आगे 3d ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ करेंगे यही प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये है 3d ऑर्बिटल के लिए 4πr² ψ² वर्सेस डिस्टेंस r। ये है 4d के लिए, इस केस में भी क्या होगा, 3d के केस में हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 1 एंड नंबर ऑफ नोड्स 0, एक भी नोड नहीं प्रेजेंट होगी। और अगर 4d के लिए बात कर रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 1 एंड 2, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी 0 तक, फिर से इंक्रीज होगी और फिर से क्या होगी डिक्रीज, एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो इस केस में क्या है हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल नंबर ऑफ रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, देखो n इज इक्वल टू 3 और रीजन कितना है 1, दैट मीन्स n माइनस 2 एंड नंबर ऑफ नोड्स, n इज इक्वल टू 3 नोड्स हैं 0, n इज इक्वल टू 4 नोड है 1, 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएंगी n माइनस 3। क्लियर। सिमिलर वे में f की बात करें, अगर ये है 4f ऑर्बिटल 4πr² ψ² r, इस केस में क्या है, एक प्रोबेबिलिटी रीजन होगा। नंबर ऑफ रीजंस की बात करूं, n इज इक्वल टू 4 और कितना रीजन है 1, तो कितना हो जाएगा टोटल डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आ रहा है तो नंबर ऑफ रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी वो हो जाएंगे n माइनस 3 और इसमें एक भी नोड नहीं है, 0 नोड्स हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस 4, टोटल इतनी नोड्स हो जाएंगे इसमें। क्लियर। इस तरीके से जो है हम नंबर ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो है डिफरेंट डिफरेंट 1s के लिए, 2s के लिए, सिमिलर वे में 2p के लिए, 3d के लिए, 4f के लिए, सभी के लिए जो है ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमें क्या पता चल रही है, प्रोबेबिलिटी पता चल रही है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे जो है ऑर्बिटल जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की किस तरीके की शेप होती है वो हम बात करेंगे। अब जो हमारे पास वेव फंक्शन जो होता है उसके टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगुलर वेव फंक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज थीटा एंड फाई, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट होता है किससे, डिस्टेंस से। इसलिए जो है ये क्या डिटरमिन करेंगे, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, एंगुलर वेव फंक्शन जो होगा। अब अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, देखो एस ऑर्बिटल के लिए जो है एल की वैल्यू कितनी होती है 0, जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी कितनी होगी 0, मीन सिर्फ एक पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी एम के लिए बिकॉज यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, साइड डायरेक्शन में सेम होंगी,
ऑल डायरेक्शन में सारी की पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर बात करें, डिस्टेंस की वैल्यू नहीं हम यहाँ पे लेंगे, बिकॉज ये जो है सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो वैल्यू क्या होगी सारे में सेम होगी। और सेकेंड वे में हम क्या कहते हैं कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं एंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती और सभी के सभी क्या होंगे स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर। अब अगर मैं एस ऑर्बिटल को ड्रॉ करना चाहूँ, वन एस ऑर्बिटल की हम बात करें, तो सिंपली इसको ड्रॉ करेंगे डॉट्स से, जहाँ पे डॉट्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ये हो गया एन इज इक्वल टू वन। ओके, अब जितने भी हैं वेदर वन एस है टू एस है जितने भी ऐसे ऑर्बिटल है सभी के सभी क्या होंगे स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे और नॉन डायरेक्शनल होंगे। बस डिफरेंस इनमें कितना क्या होगा, वन एस एंड टू एस में उनके साइज का डिफरेंस होगा, टू एस का साइज जो है वो वन एस से ग्रेटर होगा। एंड सेकेंड थिंग, वन एस के केस में जीरो नोड है लेकिन टू एस के केस में क्या होगा वन नोड प्रेजेंट होगी। नोड का मीन्स कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी जीरो होगी। अब देखो ये जो है हाई प्रोबेबिलिटी रीज़न, ये सेकंड, ये जो बीच का रीज़न है जो मैंने प्लेन बनाया ये क्या होगी रीज़न ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं नोड। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की इलेक्ट्रॉन को वो कितनी होगी जीरो होगी। सिमिलर वे में अगर हम 3s ऑर्बिटल की बात करें, इस केस में मेरे पास टोटल टू नोड्स होंगी, वन एंड टू, इनको हम नोड्स भी बोलते हैं और नोडल सरफेसेस भी बोलते हैं। ऐसे रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है उन रीजन को हम बोलते हैं नोडल सरफेस। ओके, अब अगर एस ऑर्बिटल की बात करें, देखो सबसे फर्स्ट थिंग एस ऑर्बिटल जो होंगे वो सभी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे। सेकेंड चीज कि जो साइज है एस ऑर्बिटल का वो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी साइज भी क्या होगा इंक्रीज होगा। वन एस के केस में स्मॉल साइज, टू एस में उससे बड़ा हो जाएगा, थ्री एस में लास्ट साइज हो जाएगा, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे और जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी उनका जो इफेक्टिव साइज है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। थर्ड बात करें कि हर एक ऑर्बिटल की मैं बात करी वहाँ पे जो है रीजन जो होंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन प्रेजेंट होंगे, लाइक वन एस में वन रीजन होगा, 2s में 2 रीजन होंगे, 3s में 3 रीजन होंगे। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी रीजंस है वो किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू द n, n इज इक्वल टू 1 पर हाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीजन, n इज इक्वल टू 2 टोटल 2 रीजन, n इज इक्वल टू 3 टोटल 3 रीजन। ये 3s के लिए 1 2 एंड 3 रीजंस होंगे। ठीक है, और अगर मैं बिटवीन द बात करूँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बीच में जो सर होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी जीरो होगी उनको हम बोल देंगे नोड्स, और वो कितनी होंगी n माइनस वन नोड्स। n इज इक्वल टू 1 जीरो नोड, n इज इक्वल टू 2 वन नोड, n इज इक्वल टू 3 टू नोड्स। क्लियर। अब आगे बात करते हैं p ऑर्बिटल्स की शेप की। अब देखो p ऑर्बिटल के लिए जो है मेरे पास l की वैल्यू कितनी होती है, l इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 मीन्स n की वैल्यू कितनी होंगी टोटल 3 वैल्यूज होंगी, माइनस 1 0 एंड प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ टोटल 3 p ऑर्बिटल्स होंगे और इनको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं px py एंड pz। अगर मैं 2p की बात कर रही हूँ 2p ऑर्बिटल की, तो इसके अंदर टोटल जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो हो जाएंगे 2px 2py एंड 2pz। ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये इक्वल होंगे एनर्जी में बट डिफर होंगे ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन की अगर मैं इनकी बात करूँ हर एक ऑर्बिटल में जो है टू लोब्स प्रेजेंट होंगे सिमेट्रिकल होंगी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के। 2px की बात कर रहे हैं इसमें जो टोटल टू लोब्स होंगी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के लोंगे सिमेट्रिकल होंगे, लाइक 2px है इट इज सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस, 2py सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस एंड 2pz सिमेट्रिकल अलोंग z एक्सिस। अब देखो इनकी शेप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस ये हो गई 2px, अलोंग वाई एक्सिस ये हो गई 2py एंड अलोंग जेड एक्सिस ये
ये हो जाएगी 2p जेड ऑर्बिटल। क्लियर। इस तरीके से जो है हमारे पास पी ऑर्बिटल की शेप होंगी, और ये जो शेप्स होती है इनको हम बोलते हैं डंबबेल शेप। तीनों में ही टोटल 2 लोब्स प्रेजेंट होंगी एंड दे आर सिमेट्रिकल अलोंग द पर्टिकुलर एक्सिस। 2p एक्स है अलोंग एक्स एक्सिस, 2p वाई वाई एक्सिस के लोब, 2p जेड जेड एक्सिस के लोब। अब हमारे पास क्या है, जो दो लोब्स हैं टोटल एक ऑर्बिटल में, दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और दोनों ही लोब्स जो है आपस में सेपरेटेड होंगे, बीच में जो है प्लेन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेन प्रेजेंट होगा, उस प्लेन को हम बोल देंगे नोडल प्लेन। ये थे 2p ऑर्बिटल, आगे मैं 3p 4p 5 की बात करूँ, सभी की जो शेप्स होंगी बस वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। डिफरेंस क्या होगा कि वो क्या होंगे, साइज में बिगर हो जाएंगे। ठीक है, लाइक एक बनाते हैं हम 3px ऑर्बिटल, अगर ड्रॉ करें जेड ऑर्बिटल एक्स ऑर्बिटल, इसको हम बोल देंगे 3p एक्स ऑर्बिटल। इसमें क्या होंगी, टोटल 2 लोब्स होंगी ईच साइड, एक साइड पे दो होंगी, वन बिगर एंड वन स्मॉलर, और इनके बीच में जो है हमारे पास नोड प्रेजेंट होगी। 2p में देखो 0 नोड होती है, 3p में 1 नोड होती है ना, तो इन दोनों लोब्स के बीच में, स्मॉल एंड लार्ज लोब के बीच में ये जो रीजन होगा, इसे हम बोल देंगे नोड। ठीक है, इसी तरीके से जो है 3py एंड 3pz, एक स्मॉलर लोब एक लार्ज लोब, उनके बीच में जो रीजन होगा उसे हम बोल देंगे नोड। अब आगे आते हैं डी ऑर्बिटल की शेप पे। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब देखो मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, डी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। L इज इक्वल टू 2 है, तो m की वैल्यूज कैलकुलेट करें, -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, और इनको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, अगर मैं 3D सबशेल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल 3D सबशेल लेके चल रही हूँ, तो 3dx 3dxy 3dyz 3dzx 3dx²-y² एंड 5th is 3dz². टोटल जो है ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। 5 के 5 जो है एनर्जी में इक्वल होंगे, बट इनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी। समझ रहे हो ना मैं एनर्जी में इक्वल क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो रेडियल पार्ट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, बट एंगुलर पार्ट की वैल्यू डिफरेंट है, तो इनकी जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब जो मेरे पास स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स है, दैट इज dxy dyz एंड dzx, ये जो है सिमिलर होंगे, और सभी में जो है टोटल 4 लोब्स प्रेजेंट होंगी हाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, और वो लाई करेगी एलोंग एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। और ये जो लाइन लोब्स होंगी ये इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी बाकी दोनों एक्सिस के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं dxy की बात करती हूँ, तो dxy में क्या होगा, जो 4 लोब्स होंगी वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगी, और इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस होंगी, एंगल कितना होगा 45 डिग्री। जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ये मेरे पास है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये dxy है ना, मीन्स इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये लोब्स जो है वो इस तरीके से होंगे। टोटल 4 लोब्स होंगी, इक्वल उसकी होंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इक्वल होगी सभी में। ये हो गया 3dxy। सिमिलर वे में dyz dzx dx²-y² एंड dz²। अब इन सब की शेप ड्रॉ करेंगे, dyz मीन्स टोटल 4 लोब्स होंगी, और लाई करेंगी इन बिटवीन द y एंड z एक्सिस। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ऐसे इनके बीच से बना दोगे। अगला dzx, along z and x एक्सिस, इनके बीच में
ये हो जाएंगे ऐसे ही। अब आगे बात करूँ, इन तीनों में जो है टोटल फोर लोब्स प्रेजेंट थी। अब अगर मैं अगले की बात करूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की, इसमें भी फोर लोब्स ही होंगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। बट इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल होगा जैसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसकी तरीके से ही होगा, बस इसमें हम क्या करेंगे इसको 45 डिग्री के अलोंग जो है रोटेट कर देंगे अराउंड द जेड एक्सिस। ये डी एक्स वाई है, जेड एक्सिस ये है, इसको 45 डिग्री की रोटेशन, जब मैं इसको 45 की रोटेशन दूंगी ये वाली जो लोब है ये मेरी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ये वाली आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये जो लोब्स हैं किस तरीके से आ जाएंगी ऑन द एक्सिस आ जाएंगी, ये इन बिटवीन, ये एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस। जब मैं इसको 45 की रोटेशन दूंगी तो ये वाली इस एक्सिस पे आ जाएगी, ये इस एक्सिस पे आ जाएगी, ये इस एक्सिस पे और ये वाली इस एक्सिस पे। तो टोटल जो है टोन चारों के चारों लोब्स जो है वो इन बिटवीन के बजाय ऑन द एक्सिस आ जाएंगे। सिमिलर वे में अगर मैं डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल की बात करूँ, इसके अंदर जो है दो लोब्स होंगी अलोंग द जेड एक्सिस और सेंटर में जो है एक रिंग प्रेजेंट होंगी एक्स वाई प्लेन में। दो लोब्स अलोंग जेड एक्सिस और सेंटर में जो है एक रिंग प्रेजेंट होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये हो जाएगी डी जेड स्क्वेयर की शेप। क्लियर? इस तरीके से जो है मेरे पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स की शेप हो जाएगी। अब अगर आगे मैं बात करती हूँ एफ ऑर्बिटल की, देखो एफ ऑर्बिटल के लिए जो है मेरे पास एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मेरे पास जो है 7 एफ ऑर्बिटल्स होंगे और इनकी जो शेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि हम उसको पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आपको जो अभी तक स्टडी करनी है वो एस पी एंड डी, इन तीनों ऑर्बिटल्स की शेप को जो है स्टडी करना है। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। थैंक यू।